दोस्तों हमारे देश में चाय लवर्स की कमी नहीं है। अगर आप चाय लवर हैं तो आपको अलग अलग किस्म की चाय के बारे में जरूर पता होगा, जैसे मसाला चाय, कटिंग चाय, तुलसी वाली चाय, अदरक वाली चाय वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट चाय पीने से शरीर को कई नुकसान होते हैं। इसमें पाया जाने वाला कैफीन शरीर को एनर्जी तो देता है, लेकिन चाय में कैफीन के अलावा अल्थाइनिन और थियोफाइलिन होता है, जो खाली पेट लगातार पीने से कई बीमारियों को न्योता देती है। वहीं अगर इंसान चाहे तो अपनी 90% बीमारियों को खुद खत्म कर सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल कॉमन हैं, जैसे कि डायबिटीज, एसिडिटी, अल्सर। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार डायबिटीज की प्रॉब्लम को इंसान खुद ही सही कर सकता है। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप जान सके कि इन बीमारियों को कैसे सही कर सकते हो, वो भी डॉक्टर के पास बिना गए। इसके अलावा हम आपको चाय पीने के कुछ नुकसान भी बताने वाले हैं, क्योंकि डायबिटीज, जोड़ों में दर्द रहना, गठिया, मोटापा, इन सभी बीमारियों का संबंध कहीं ना कहीं चाय से ही जुड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चाय से कैसे आपके शरीर पर मोटापा आता है, कैसे आपको गठिया की प्रॉब्लम होती है, कैसे डायबिटीज होती है। हम ये भी जानेंगे कि सुबह खाली पेट चाय पीने की जगह हमें क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे और लंबे समय तक जवां दिखे। दोस्तों हम जब चाय को खाली पेट पीते हैं तो ये चाय हमारे शरीर में बहुत ही नुकसान करती है। खाली पेट चाय पीने से पित्त रस के बनने और काम की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। यह आपके वात, पित्त, कफ तीनों को बिगाड़ देता है। जब आप सुबह उठकर खाली पेट चाय पीते हैं तो उसे पीने से हमारे शरीर में एसिड बढ़ जाता है। वैसे भी जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड बना होता है और ऊपर से आपने एसिड वाली चाय पी ली। अब ये दोनों एसिड मिलकर हमारे खून के अंदर एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। जब हमारे खून में एसिडिटी बढ़ती है तो ये आगे चलकर गठिया की प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हमारे जोड़ों में कहीं ना कहीं खून दौड़ता ही रहता है। जब खून के अंदर एसिड होता है तो ये एसिड हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, जो कि यूरिक एसिड के रूप में गठिया में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप गठिया की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो खाली पेट चाय बिल्कुल भी ना पिएं। खाली पेट चाय पीने वालों को अल्सर और हाइपर एसिडिटी होने का खतरा रहता है, क्योंकि खाली पेट गर्म चाय पीने से पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों खाली पेट चाय पीने से स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। ये बीमारी हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इस बीमारी में शरीर में अर्थराइटिस जैसा दर्द होने लगता है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि हम चाय तो काफी वक्त से पी रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। आप एक बात ध्यान रखो कि ये जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे शरीर में पनपती है, धीरे धीरे जमा होती है और बाद में एक साथ निकलती है। जो हम लगातार खाली पेट चाय पी रहे हैं तो ये धीरे धीरे शरीर में नुकसान लाती है। आपको नुकसान दिखेगा नहीं, लेकिन जब नुकसान कब दिखेगा, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस समय आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए इसके अलावा कुछ और नुकसान है जरूर देख लीजिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है और आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, जिस वजह से आपके शरीर को मोटापा घेर लेता है। अक्सर आपने देखा ही होगा कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं वो ही मोटे नहीं होते, ऐसे भी लोग हैं जो कम भी खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। इसकी वजह है कि क्योंकि वे लोग चाय बहुत अधिक पीते हैं। जितनी ज्यादा चाय पिएंगे उतना ही मोटापा आपको ज्यादा घेरेगा, इसलिए आप चाय का सेवन कम कर दें। इसके अलावा अगर आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, चेहरे के ऊपर कालापन दिखाई देने लगा है, आप खाली पेट चाय पीना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इसकी वजह से ही चेहरे पर रिंकल्स आते हैं। मैंने कहा ना आपको, ये वात पित्त कफ को खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। इससे स्किन डल पड़ने लगती है, स्किन काली हो जाती है, क्योंकि चाय के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे स्किन को डल बनाते हैं और धीरे धीरे आपके स्किन पर कालापन आने लगता है और आपको रिंकल्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम तक हो जाती है। चाय में मौजूद टैनिन की वजह से आपको नींद न आने की परेशानी और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप खाली पेट चाय का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दिन भर में 3 कप से ज्यादा चाय पीते हैं तो आपको एसिडिटी होना ही होना है। भले खाली पेट ना पियो, लेकिन 3 कप से ज्यादा चाय पियोगे तो आपको एसिडिटी होना ही होना है, आज नहीं तो कल। चाय पीने से आयरन ऑब्जर्व करने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर में कमजोरी दिखती है, खून की कमी दिखती है, चक्कर आना, थकान होना इसी वजह से होता है। कैफीन होने की वजह से चाय पीने की लत लग सकती है। चलिए अब बात यह आती है कि सुबह खाली पेट चाय ना पिए तो क्या पिए, ऐसा क्या चीज लें जिससे आप हेल्दी रह सके। दोस्तों सुबह खाली पेट दूध वाली चाय ना पीकर आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन इसे भी आपको ज्यादा नहीं लेना, सुबह 1 कप खाली पेट ग्रीन टी पी सकते हो। ग्रीन टी के अलावा अगर आप चाहते हो कि पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहो, ऑफिस जाते हुए थकान महसूस ना हो, तो 20 ग्राम गुड़ खाइए और ऊपर से 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए।
इसके अलावा अगर आपके हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता है, गठिया की समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, मोटापा ज़्यादा बढ़ गया है, डायबिटीज शुगर की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, शरीर में तमाम बीमारियां घेर ली हैं, तो आपको एक चीज़ का सेवन करना चाहिए, वो है मेथी पानी का। आपने मेथी पानी के फायदे बहुत से देखे होंगे, लेकिन आप शायद आजमाते हो या नहीं आजमाते, फॉलो करते हो या नहीं करते, वो आपको पता होगा। लेकिन आज से फॉलो करना शुरू कीजिए। रात को आधी चम्मच मेथी दाने को भिगोइए, सुबह उसे गर्म कीजिए, मेथी दाना खाकर ऊपर से जो हल्का गुनगुना पानी है उसे पी लीजिए। ऐसा खाली पेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमजोरी से ग्रस्त हों, शरीर में हमेशा कमजोरी लगी रहती है, जरा सा काम करने पे ही थकान महसूस करते हों, जरा सा दौड़ने पे ही हांफने लगते हों, सांस फूलने लगती हो, तो समझिए आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, कमजोरी है, खून की कमी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किशमिश का सेवन करना है, किशमिश और अंजीर का। अगर अंजीर ला सको तो अंजीर लेके आना और किशमिश लेके आना। रात को 20 से 25 दाने किशमिश को भिगो देना है और साथ में 2 अंजीर भिगोना है। सुबह उठकर अंजीर और किशमिश को चबा चबा कर खाना है और जो पानी बचा हुआ है उसे पी लेना है। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप अपना शरीर हमेशा हेल्दी रखना चाहते हो, घोड़ी की तरह ताकत चाहते हो, तो आपको चना, बादाम और गुड़ का सेवन करना चाहिए। रात को 1 मुट्ठी चना भिगो दो, 6 से 7 बादाम भिगो दो, सुबह बादाम को छिलकर खा लो, चना खा लो और साथ में 20 ग्राम गुड़ खा लो। दोस्तों ये इतना ताकत देगा आपके शरीर में कि आप लंबे समय तक जवान महसूस करोगे, पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे और जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाना।